हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने क्लाइंट की थ्रेडिंग बनाकर दिखाऊंगी। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने पाउडर ले लिया है। ये यहाँ पे मैं पाउडर लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा। ये इस तरीके से लगाना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसकी जो थ्रेडिंग है, इस पर पॉइंट वाला शेप देना है। पॉइंट वाली थ्रेडिंग बनानी है इसकी। ये मैंने कैंची ले ली है। कैंची से थोड़े जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने नीचे से स्टार्ट कर दिया है थ्रेडिंग को सेट करना। आप देख सकते हैं किस तरीके से। तरीके से नीचे वाली थ्रेडिंग को सेट करना है। ये देखिए किस तरीके से करना है, आप देख सकते हैं। इनकी जो थ्रेडिंग है, ये पॉइंट वाली थ्रेडिंग बनानी है। यहाँ पे ये ऊपर वाली जो साइड है, अब यहाँ से शेप देना है। जो पॉइंट वाली जो थ्रेडिंग रहती है उसका शेप ऊपर से ही आता है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इनकी जो थ्रेडिंग है उसको सेट कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है। ये मैंने पॉइंट वाली थ्रेडिंग बनाई है इनकी। आप देखिए किस तरीके से बनाई है मैंने। आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है। अब ये इस तरफ वाली थ्रेडिंग बन चुकी है। अब इस साइड वाली थ्रेडिंग बनाऊंगी। आप देखिए किस तरीके से बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये नीचे की जो साइड रहती है, नीचे की जो स्किन रहती है वो बहुत ही नाजुक स्किन रहती है। तो यहाँ पे जो धागा चलाना है वो बहुत ही आराम से धागा चलाना है। किसी किसी की स्किन पतली रहती है तो कट लग जाते हैं, लेकिन आप आराम से धागा चलाएंगी या अच्छे से देखकर चलाएंगी तो बहुत ही अच्छे से थ्रेडिंग सेट होगी और बहुत ही अच्छा शेप आएगा। इनकी जो थ्रेडिंग है इसमें दोनों ही शेप आ जाएंगे। पॉइंट वाला शेप भी आ जाएगा और जैसे कि अगर इनको गोल थ्रेडिंग रखनी है तो वो शेप भी आ जाएगा, लेकिन इनको पॉइंट वाली थ्रेडिंग चाहिए तो मैंने ये पॉइंट वाली थ्रेडिंग ही बना रही हूँ। ये यहाँ पे देखिए, ये ऊपर की साइड करना है। ऊपर की तरफ के बाल निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से निकालना है। ये पॉइंट वाली या गोल थ्रेडिंग जैसी भी बनानी है तो जो शेप लेते हैं वो शेप ऊपर से ही आता है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कर रही हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनकी थ्रेडिंग है दोनों साइड से दोनों साइड से बन चुकी हैं। ये यहाँ पे ये पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने पॉइंट लिए हैं। अभी जो बीच में जो बाल रह जाते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे जो जो बीच के दोनों थ्रेडिंग के बीच में जो बाल रहते हैं, तो मैं उनको निकाल रही हूँ। क्योंकि थ्रेडिंग बनाने के बाद फोरहेड हो या बीच वाले बाल हो, ये सारे निकाल देने चाहिए। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है नहीं निकलवानी है, नहीं निकलवाने हैं तो नहीं निकालें। देख सकते हैं आप किस तरीके से धागा चलाना है आपको, किस तरीके से क्लाइंट की थ्रेडिंग सेट करनी है। ये देखिए आप कितना अच्छा शेप आया है, आप इसकी दोनों थ्रेडिंग देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है। यहाँ पे मैं फोरहेड के बाल निकालूंगी, देखिए ये फोरहेड कर रही हूँ। इस तरीके से ये सारे क्लियर कर देने हैं। थ्रेडिंग बनाने के बाद फोरहेड भी, थ्रेडिंग बनाने के बाद फोरहेड करने से बहुत ही अच्छा शेप दिखता है। ये यहाँ पे इसकी थ्रेडिंग बन चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थ्रेडिंग बनी है और कितना अच्छा शेप आया है। ये यहाँ पे थोड़ी सी मैंने जेल ले ली है, ये मैंने थोड़ी सी जेल ली है और ये इस जेल से मैं ये थ्रेडिंग की मसाज कर दूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से करना है। ये देखिए इसी तरीके से आपको थोड़ी सी जेल ले लेनी है, क्योंकि थ्रेडिंग बनवाने के बाद हल्की हल्की जलन होती है, तो इससे मसाज करने से ठंडक मिलती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता।